हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक्सेल में आपके सामने प्रोडक्ट दिया रहेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहेगा दोस्तों, तो उस अमाउंट से हम दोस्तों परसेंटेज कैसे माइनस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना भी जैसे 10% हो, 20% हो, 30% हो, वो माइनस कैसे करेंगे एक्सेल में, तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले मेरे पास एक डाटा हुआ दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें नाम दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट निकालनी है 10% की, जो अमाउंट दिया हुआ है उससे दोस्तों। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डिस्काउंट वाली कॉलम में। डिस्काउंट वाली कॉलम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद दोस्तों वो कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे जो कॉलम में अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए, इसके बाद हम वो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं जो जिस कॉलम में हमको अमाउंट दिया हुआ है। वो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह जो होती है वो हम लगाएंगे, यानी कि कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों 10 लिखेंगे, इसके बाद परसेंटेज का चिन्ह डाल देंगे। इसके बाद परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो डालने के बाद दोस्तों हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते ही मेरे सामने दोस्तों जैसे 14,000 अमाउंट है, उसका हम 10% अगर हम निकालने जाए, माइनस करने जाए दोस्तों, तो 1400 होती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्रोडक्ट का निकल गया, यानी कि दोस्तों रोशन नाम के जो लड़का है वो 14,000 की अमाउंट था उनके पास, वो 10% डिस्काउंट किया तो उसका 1400 आ गया दोस्तों। अब हमको सबको निकालनी है, तो सबको क्या उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सब में ट्रैक कर देंगे। जैसे ही ट्रैक कर देंगे दोस्तों, तो सबका 10% लॉस करके देगा दोस्तों। इस तरह आप दोस्तों किसी भी कोई भी कितना भी बड़ा डाटा रहे दोस्तों, तो उससे आप परसेंटेज माइनस कर सकते हो जो आप अमाउंट दिया हुआ हो। जी हाँ दोस्तों, जो अमाउंट दिया हुआ रहता है उससे आप परसेंटेज माइनस कर सकते हो इस तरह। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।